नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के गोनापार गांव में। मैं आपको बता दूँ, आज हमारे साथ हमारे मित्र जुड़े हुए हैं। इनका दो बार पहले हमारे चैनल पर इंटरव्यू हो चुका है। आज मैं जानकारी लूँगा कि सांप को कान होता है कि नहीं होता है, और बिस्कोपड़ा काटने से आदमी की मृत्यु होती है कि नहीं होती। आज मेरे सामने बिस्कोपड़ा भी पकड़े हुए हैं और कोबरा सांप भी पकड़े हुए हैं। पूरी जानकारी मैं लूँगा। रोक दो बिचौन रिगार्डिंग डर को मन, लेकिन मुझे घाव करे कटवाओ। इस वक्त आप देख रहे हैं बिस्कोपड़ा साथ में पकड़े हुए हैं, और ये बताइए सर, ये बिस्कोपड़ा काटने के बाद क्या क्या होता है? सर, बिस्कोपड़ा में ये तो नॉन वेनमस जीव है, इसमें जहर नहीं पाया जाता है जी। और ये लोग डरते हैं, पुराने लोगों ने थोड़ी सी अफवाहें उड़ा दी हैं कि इसके काटने पे आधे पौने घंटे में मृत्यु हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जहर नहीं पाया जाता। ये एक गोयरा या मगरगो, हमारे यहाँ मगरगो बोलते हैं, मगरगो जो होता है वो सेम उसी का बच्चा है, सेम वही वैरायटी है। बस इसका जो बच्चापन होता है, ये दिखने में थोड़ा सा कलर इसका अलग होता है, उसका कलर अलग होता है, पर धीरे धीरे जब ये बड़ा हो जाता है तब जाके ये मगरगो का पूरा रूप बदल लेता है। अभी इसको आप मगरगो नहीं कह सकते हैं, अभी हमारे यहाँ इसको सब बिस्कोपड़ा ही बोलते हैं, कहीं बितनुआ बोलते हैं। थोड़ा और छोटा होता तो बितनुआ, पीला वाला होता ना तो बितनुआ बोलते हैं। लेकिन अब ये अभी बिस्कोपड़ा साइज़ का है, अभी एक साल में ये मगर घोटे का बच्चा बन जाएगा, तब लोग बोलेंगे इसे कि अब ये मगर घोटा का बच्चा लग रहा है। लेकिन ये मगर गोह का बच्चा अंडे से निकला तब से है, लेकिन लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि मगर गोह और बिस्कोपड़ा अलग अलग होता है। वो अलग नहीं है, एक ही प्रजाति है, छिपकली प्रजाति है, और ये मगर गोह का बच्चा है। अब ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अभी एक साल जाते जाते ये इतना बड़ा हो जाएगा, तब लोग इसे क्या बोलेंगे, मगर गोह। अच्छा ये बताइए, इसके काटने से क्या क्या होता है? इसके काटने से सिर्फ घाव बनेगा, गैंग्रीन हो सकती है, और कुछ नहीं होता है इसमें। लेकिन लोग तो कहते हैं बिस्कोपड़ा काटने से आधे घंटे में मौत हो जाती है। यही तो अफवाह उड़ी हुई है काफ़ी दिनों से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं लगभग काफ़ी दिन से पकड़ रहा हूँ, लेकिन जिसके पास जाता हूँ मैं यही सवाल करता हूँ, आपने देखा था आपके गांव में किसी को काटा है? ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन किसी ने देखा है बिस्कोपड़ा काटा है या झाड़ने वाले ने बता दिया? कहते भैया कोई देखा नहीं था, फलाने जगह काटा, ढिमका जगह काटा, लेकिन कोई देखा नहीं, क्या मतलब समझेंगे आप? अच्छा, आपसे मेरा एक और सवाल है, सांप को कान होता है कि नहीं होता है? लोग कहते हैं कि कान होता है। देखिए, सांप जो होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखो ये गोयरा, ठीक है, ये आओ काट लिया, थोड़ा सा काट लिया आपको, थोड़ा सा काटा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख सकते हैं, वीडियो में पूरा दिखा दीजिए। और मैं और भी ज़्यादा तेज से काट लिया है, थोड़ा सा बचा के निकालूंगा क्योंकि ब्लेड आ जाएगा। यहाँ पर ये बाइट किया है, और मैं आपको इसको छोड़ दीजिए, जहर तो होता नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। इसका जो कान होता है जैसे चिड़िया का होता है, देख रहे हैं, जैसे चिड़िया का कान होता है, इसके कान में पर्दे होते हैं, ये थोड़ा बहुत सुन सकता है, लेकिन उसके पास ये चीज़, ये कान मतलब उसके पास नहीं होता है जो सांप होता है। मैं आपको एक रेड स्नैक दिखाता हूँ। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं बिस्कोपड़ा के बारे में? बिस्कोपड़ा एक नॉन वेनमस जीव है, उससे घबराएं नहीं, उसमें जहर नहीं होता है। अगर किसी को बाइट होता है तो बिस्कोपड़े में घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अस्पताल जाके, अगर आपके अंदर घबराहट बनती है, आप अस्पताल जाके ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। वीडियो जो मेरा देख रहा है, उनको ऐसा लग रहा होगा इसका दांत आप तोड़ दिए होंगे। भैया अगर दांत तोड़ दिए होते तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन अभी देख रहे हैं यहाँ पर ब्लेड भी आना शुरू हो गया है, क्योंकि किसी को चोट लगती है तुरंत से ब्लेड नहीं आता, लगभग 4 से 5 सेकंड लग जाते हैं ब्लेड आने में। अब देखो यहाँ पर ये ब्लेड आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और इधर भी हल्का आ रहा है, ये वाला दांत ज़्यादा लगा है, इस पर ज़्यादा आ रहा है। चलिए ठीक है, आप इसको रख दीजिए, रोक दीजिए। अच्छा ये जो सांप आप पकड़े, कौन सा सांप है? ये सांप है रेड स्नैक है, ये बिना जहर वाला सांप है, इसमें जहर नहीं होता है। और मैं देखो, सांप तो सारे एक ही जैसे हैं। अब इसका मैं सबसे पहले आपको कान दिखाता हूँ, ठीक है, इसका देख लेते हैं, ये है इसका टीथ,
टीथ मतलब इसका ये दांत है, ये मछली के आकार के दांत होते हैं, हो सकता है गलती से बाइट कर ले, कोई दिक्कत नहीं होगी फिलहाल। यहाँ पर दांत नहीं है जहाँ पर उंगली लगाया हूँ, देखो यहाँ पर दांत नहीं है और साइड साइड में ये छोटे छोटे दांत हैं, छोटे छोटे दांत दो लाइन के हैं और ऊपर चार लाइन है, एक लाइन साइड में है, दो लाइन बीच में है, फिर एक लाइन यहाँ पर है, ये इसका टीथ है। इसमें जहर नहीं पाया जाता है और ये रेड स्नेक जो है हमारे यहाँ बहुत विशाल होता है, ये लगभग 7 फीट 8 फीट 7 फीट तक हो जाते हैं। अच्छा, ये खाते क्या है सबसे ज्यादा? ये सबसे ज्यादा मेढक, इनको बहुत ज्यादा पसंद है मेढक। हाँ, मेढक खाना इनको बहुत पसंद है। देखो अपना इतना शुरू कर दिया है ये, मतलब ये घूम रहा है। हाँ, घूम रहा है कि निकल जाऊं मैं यहाँ से। पतला हो रहा है? पतला नहीं हो रहा, देखो ये घूम रहा है, यहाँ से देख सकते हैं ना, ये देखो ये इस तरह से घूम रहा है कि मेरे यहाँ से छूट जाए। हाँ, लेकिन मैं छोड़ने वाला कहाँ इसको, अब छोड़ूंगा तो इसको फॉरेस्टर विभाग में, या तो मतलब ये डेंजर नहीं है, ये डेंजर नहीं है, इसके अनुकूलित वातावरण पर इसको छोड़ दूंगा मैं। ये मतलब ये कौन सा सांप है? ये रेड स्नेक, हमारे यहाँ सड़िया, घोड़ पछाड़ और धामन भी बोलते हैं। ठीक। और जहाँ तक रही बात कान की, तो कान आप देख सकते हैं, आँख है, नाक है, पर कान नहीं है। तो भागते कैसे हैं? भागने के लिए इनके पास पर होता है, इनमें आप देख सकते हैं ये नीचे जो होता है, यहाँ पर कुछ डालेंगे तो यहाँ तक घुसेगा, ये काफ़ी जगह इनका पर होता है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ये। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये इसी के सहारे से चलते हैं, इनके पास पैर तो होता नहीं है। सबसे ज़्यादा फेवरेट इनका मेढक है? मेढक इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, मेढक खा के। और ये मैं इनके बारे में एक बात और कहूँगा आप लोगों को। हाँ, रख दीजिए, रख दीजिए। ये है स्पेक्टिकल कोबरा। अच्छा, ये कौन सा सांप है? ये है स्पेक्टिकल कोबरा। अच्छा, ये फूक बहुत, एक बार वार करेगा तो आदमी खत्म ही हो जाएगा? जरूरी नहीं है, अगर आदमी लापरवाही करेगा तो जरूर एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि एक घंटे में इंसान को अगर बाइट कर ले तो एक घंटे में इंसान की मृत्यु हो जाती है। ये न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है इसमें, और ये बहुत ही घातक सांप है, और ये रात में टहलना बहुत पसंद करता है, रात में भी अपना शिकार करता है, दिन में ये शिकार नहीं करता है। अच्छा, क्या खाते हैं, क्या है ये? इनको खाना बहुत ज़्यादा चूहा पसंद है। चूहा खाते हैं? चूहा बहुत ज़्यादा पसंद है और ये रसोई घर में ज़्यादा मिलते भी हैं। अच्छा, एक बार चूहा खाने में इसको, उसके बाद कब भोजन करते हैं, कितना समय में? नहीं, अगर भोजन किए हैं तो अभी भी कर सकते हैं, जब तक इनका पेट जितना खा लेंगे। हाँ, ये एक चीज़ आपने बहुत अच्छी पूछी है, मैं आपको इनके बारे में पहले, ये जो सांप है, इसके पहले जो रेड स्नेक दिखाया था आपको, वो अब बारिश में घूम घूम के खेतों में कीड़ा मकोड़ा खा के अपनी चर्बी को स्टोर करता है। इस समय आप देखेंगे 7 फीट का 7.5 फीट तक के हो जाते हैं। ये बहुत बीच में मोटे होते हैं, मुंडी इनकी पतली, पूछ पतली, जो इनकी चर्बी होती है। ये ठंडी के मौसम में जब अपने मतलब एक सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं, वहाँ जाके छिप जाते हैं। छिपने के बाद वो वही चर्बी जो अभी मोटे हुए हैं, वही चर्बी उनकी जो है ये स्टोर करके बचा के रखते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे चर्बियाँ इनकी गलती है और उसी चर्बी के आधार पर ये जिंदा रहते हैं। ये 4 महीने तो कुछ नहीं खाते हैं, 4 महीने कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं खाते हैं, अपनी चर्बी के ऊपर जिंदा रहते हैं। अच्छा, ये बताइए, इसके कान है कि नहीं? इसको कान इसको भी नहीं है। अच्छा, चलते कैसे हैं ये? ये अपने पर से चलते हैं और इनका महसूस करने का कंपन, ये जो कंपन बनती है जमीन का जो कंपन होता है, वो कंपन से चलते हैं, कंपन से महसूस करते हैं अपने खुराक को। इनके पास यहाँ पर ये जो इनका जीभ है, इससे ये अपने शिकार को पता लगाते हैं कि हमारा शिकार, ये देख नहीं देखेंगे तभी इनको पता लग जाएगा कि हमारा शिकार यहाँ से थोड़ी दूर पर है। अच्छा, ये फुफकार क्यों रहा है? ये डर, हम आपको डरा रहा है ये। अच्छा, ये डरा रहा है कि हमको छोड़ दीजिए, मतलब कि ये अपनी ताकत को दिखा रहा है। मतलब अपनी ताकत को दिखा रहा है? हाँ। अगर इस वक्त काट ले तब? काट लेगा तो सीधे ही अस्पताल जाएंगे, बचेंगे नहीं। बचेंगे नहीं। अच्छा, ये सांप कौन सा है? देखा, रेड स्नेक देखा मैंने हाथ से पकड़ा, लेकिन इसको हाथ से नहीं पकड़ रहा हूँ, क्योंकि ये खतरनाक भयानक सांप है, इसके काटने पर अस्पताल जाना ही पड़ेगा। केचुल सारे सांप छोड़ते हैं। अच्छा, नागिन ये नाग है ये? अच्छा, ये नाग है। हाँ, ये कितना लंबा होते हैं सब? ये अभी आप देख सकते हैं 3.5 फीट का हमारा ये स्टिक है, और ये स्टिक से
बड़ा है, लगभग 4.5 फीट का तो यही है, और ये लगभग 5 फीट तक के हो जाते हैं अपने यहाँ। अच्छा, 5 फीट तक हो जाते हैं? 5 फीट तक के हो जाते हैं, मतलब एक बार भोजन करने के बाद इनका कोई टाइम टेबल नहीं है, लेकिन 4 महीना खाना नहीं खाते हैं? नहीं, ये ठंडियों में खाना इनको मिलता ही नहीं है, क्योंकि ये चल नहीं सकते, इनकी शरीर जो है काम नहीं करती है, ठंडी इनको लग जाती है तो सुकुड़े जैसे जाते हैं। अब इनको बैठे रहने का एक, अगर गलती से वहाँ चूहा पहुँच गया तो खा सकते हैं, इनके पास पहुँच गया तो। ठंडी में नहीं निकलते? ठंडी में कहाँ निकलते हैं, ठंडी में सांप नहीं निकलते हैं, कभी कभार दिख जाते हैं, जैसे धूप ऊप कड़ी आई तो दिख जाते हैं, नहीं सांप दिखते नहीं हैं। सबसे ज़्यादा बारिश में सांप निकलते? सबसे ज़्यादा बारिश में सांप निकलते हैं, क्योंकि उनके बिल में पानी चला जाता है, उनके बिल में पानी भर जाता है, इनका घर उजड़ जाता है, तो ये हमारे घरों को ढूंढते हैं, सूखी जगह को ढूंढते हैं, इस वजह से गाँव में आ जाते हैं, घरों में आ जाते हैं। अच्छा, सांपों को जो पकड़ते हैं छोड़ते कहाँ हैं? हम बहुत बढ़िया बड़े जंगल में छोड़ते हैं, लगभग इनके वातावरण जैसे कोई भीटा हो गया, वहाँ कोई आता जाता नहीं है, 10-5 किलोमीटर में घर वर नहीं होता, वहीं छोड़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा डेंजर सांप कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा डेंजर सांप तो अपने यहाँ कोबरा और करैत है। ये कोबरा करैत किसी को बाइट कर ले तो इंसान आधे से एक घंटे, ये कभी ऐसा होता है ये 2-3 बार बाइट करता है तो इंसान 40 से 45 मिनट के अंदर मृत्यु हो जाती है। और हल्का दांत लगा, हल्का जहर लगा हुआ है, जहर मान लीजिए थोड़ा सा इंजेक्ट हुआ है, मान लीजिए बहुत हल्का, तो आदमी 4 घंटे 3.5 घंटे भी जी सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। इस वक्त मैं गोनापुर, जो गोनापार मार्केट है और गांव है, वहां पर मैं हूं, और हमारे मित्र हैं डब्लू भाई जी, सांप पकड़ते हैं और बिस्खोपड़ा पकड़ते हैं, और इन्होंने अपने हाथ में बिस्खोपड़ा भी कटवाया, बिस्खोपड़ा काटने से मौत नहीं होती है। ऐसे ही हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहे, आजाद VIP न्यूज़ को, कैमरामैन विवेक कुमार के साथ आजाद यादव की रिपोर्ट, जनपद जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।